ओम नमो भगवती ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवति बकलामुखी मम सर्व काल सब दुष्टान पाचम मुखम पदम स्तंभ स्तंभ भ्रामे मुद्दे मुद्दे बुद्धि विनाश विनाश अपर बुद्धि आदि गुरु गुरु आत्म विरोधी नाम शत्रुराम सरो ललाट मुखम नेत्र कर्ण नासिक रूप पर दंतो जीबा तालु गुद कटि जानु सर्वांगे जो केसारी पाद पाद की थम्मे थम्मे खेम की मारे मारे प्रबंध पर्यंत पदाय छेदे छेदे आत्मंत तंत्र यंत्र रक्षा रक्ष रक्ष सर्व ग्रह निवारे निवारे व्याधि विनाश विरा दुखम हरे दम निवारे निवारे सर्व मंत्र स्वरूपी सब तंत्र स्वरूपी सर्व सर्व प्रयोग स्वरूपी सर्व तत्व स्वरूप दुष्ट ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह पाशा ग्रह चपचा ग्रह यक्ष ग्रह भूत प्रेत प्रशासन ताक साकनी नकड़ी ग्राम भूत संबंध बंध बाताई पाप दक्षिण संबंध क्रात बाताई माम पश्चिम संबंध स्वप्न बाताई माम उत्तर संबंध बंध काली माम ऊर्ध संबंध उग्र काली माम पदम संबंध बंध बगला परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष सकल रुगान विनाश विनाश सर्व शत्रु पलायन आय पंच योदन मध्य राजधन बस्ती राजधन स्त्री वस्ताम कुरु गुरु सत्तुन दहदा पचप स्तम स्तम मोह मोह आकाश आकाश मम सत्तुन चाट चाट हूम फट स्वाहा। मित्रों आपने इस मंत्र को तो जान ही लिया होगा कौन सा मंत्र है ये, तो मैंने खाली एक बगलामुखी का छोटा सा मंत्र बोला है, ठीक है। और ग्रहण का आज 11 बजे के आसपास 11 बजने में 5 मिनट की देर होगी, वैसे तो ज़्यादातर पंचांगों में 11:42 वो 10:42 का बताया टाइम, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 11 में जब 5 की देर होगी तो इसका प्रभाव लग जाएगा। वैसे जो कोई बड़ा बड़ा ग्रहण नहीं है, छाया वाया वाला ग्रहण नहीं है जी, इसका केवल प्रभाव ही काफ़ी रहेगा। तो इनका तो थोड़ा सा पूरे ब्रह्मांड में इसका वो होता है, प्रभाव होता है, बाकी सूतक वूतक का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। और इसमें आपने जो जो भी मंत्र कर रखे हैं वो कर सकते हैं, सरस्वती का, हनुमान जी का और माता रानी का, बगलामुखी का, काली का, महाकाली का, स्वप्नेश्वरी का, दुर्गा का, कोई भी मंत्र आप इसमें कर सकते हैं सिद्ध, उसमें कोई तो टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और मित्रों चंद्र ग्रहण में सबसे जो उत्तम मंत्र होता है वो बगलामुखी वो माता रानी का जो नवाण मंत्र है सबसे उत्तम होता है। इस ग्रहण में जो पढ़ रहा है इसमें उत्तम इसके लोग बन रहे हैं, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं नवाण मंत्र को आराम से, कोई भी कर सकता है इस ग्रहण के में, उसका फल भी बहुत ज़्यादा मिलता है ग्रहण में। नवाण मंत्र जो भी देवी के मूल मंत्र होते हैं, जैसे नवाण मंत्र हुआ, बगलामुखी का, माता रानी का 36 अक्षरी मंत्र हुआ, ओम रीम बगलामुखी सब दुष्टानम पाचम मुखम पद्म स्तंभ जीभाम की लब्धि मम स्वाहा जी वाला मंत्र हुआ, और काली का मंत्र हुआ ओम क्लीम कालकाय नमः। ऐसे मंत्र होते हैं जो मूल मंत्र होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर और बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है ग्रहण के दिन, और खासकर चंद्र ग्रहण में देवी मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। विद्या के मंत्र या देवी मंत्र, ज्ञान के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। और जो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे वाला मंत्र है, इसकी आपको 11 माला करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका मतलब जो पहला शुरुआती चरण होता है वो पूरा होता है। उसके बाद आपको 3 माला रोज़ करनी पड़ेगी 21 दिन तक। तो ये मंत्र, और जो लक्ष्य लेकर के बैठे उसका संकल्प पहले ले लें ग्रहण में ही, वो लक्ष्य लगातार तो उसी लक्ष्य पे मंत्र चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जरूर आप क्रिया कीजिए कि लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, उस लक्ष्य पे ही मंत्र चलता है जो लक्ष्य आप लेकर के उसको जाप शुरू करते हैं। तो इसलिए भटकना नहीं चाहिए कभी भी, पहले ही लक्ष्य बना लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए जो आपका हेतु है, उद्देश्य है उसके करने का, तो मंत्र अवश्य काम करता है। ग्रहण में कभी भी कुछ ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल धूप जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, और वो पहले ही बना कर रख लें, उसके बाद ही वो ग्रहण में जला के बैठ जाएं पूजा करने, ठीक है। मित्रों जय माँ भवानी, जय माता रानी की, हर हर महादेव।